हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं ज्योति और मेरे चैनल ज्योति किचन हिंदी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे इंस्टेंट सेट डोसा, साथ ही बनाएंगे इंस्टेंट सांभर। दोनों ही रेसिपी काफी सरल और आसान तरीके से आज मैं बनाकर बताने वाली हूँ, तो वीडियो को पूरा देखिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम सीखेंगे कम समय में सेट डोसा कैसे बनाई जाती है। अगर आपको ट्रेडिशनल तरीके से बनानी हो तो उसके लिए आपको प्रिपरेशन पहले से करनी होगी। किसी और दिन मैं ट्रेडिशनल तरीके से बना दूंगी। अगर आपके पास कम समय हो तो आप इंस्टेंट कैसे बना सकते हैं सेट डोसा, बहुत ही आसान से बना सकते हैं और इसके लिए कोई भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं है और बहुत ही स्पॉन्जी डोसा ये बनकर तैयार होती है। तो वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो इंस्टेंट सेट डोसा बनाने के लिए यहाँ पर हम 1/3 कप पोहा लेंगे। कोई भी अगर आप कटोरी ले रहे हैं तो उससे 1/3 आप पोहा ले लें। इसे हम अभी क्या करेंगे, 1-2 पानी से अच्छी तरह से इसे धो लेंगे जिससे जो भी गंदगी होगा पोहे में वो अच्छी तरह से निकल जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने धो लिया है। साथ ही यहाँ पे लेंगे 1 कप सूजी, 1/2 कप दही, 1 कप पानी। सारी चीज़ों को आप मेजरमेंट पर खास ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पास मेजरिंग कप ना हो तो आप किसी भी कटोरी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे क्या होगा आपको मेजरमेंट में कोई भी परेशानी नहीं होगी। साथ ही यहाँ पे लेंगे टेस्ट के अनुसार नमक, मैंने यहाँ पे 1 चम्मच नमक का इस्तेमाल किया है। सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसे रेस्ट करने के लिए 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, जिससे क्या होगा सूजी वगैरह अच्छी तरह से ये फूल जाएगा। बहुत ज़्यादा रेस्ट देने की ज़रूरत नहीं है, 10 मिनट के लिए बस रखेंगे। तब तक इधर और बाकी सारी तैयारियाँ कर लेते हैं। तो यहाँ पर सांभर बनाने के लिए मैंने यहाँ पर पहले से ही तुअर दाल को धो लिया था अच्छी तरह से, पानी डाल लिया 2 गिलास के लगभग। और यहाँ पर लेंगे नमक टेस्ट के अनुसार, थोड़ी सा मैंने हल्दी पाउडर लिया 1/2 चम्मच। अभी क्या करेंगे, 2 सीटी से मीडियम फ्लेम पे हमें दाल को गलाना है। अभी क्या इंस्टेंट बनाना है तो पहले हम दाल को गला लेते हैं, उसके बाद और सारी तैयारियां कर लेंगे। तो जब तक हमारा दाल पक रहा है तब तक इधर कुछ सब्जियां को काट लेते हैं। आप यहाँ पे सांभर बनाने के लिए कोई भी सब्जियां का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो भी आपके पास सब्जियां हो या जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी थोड़ी सारी सब्जियां को काट लिया है, जैसे लौकी, गाजर, बीन्स, आलू, सहजन, प्याज। अगर आपको इसमें से कोई भी सब्जी आपको नहीं पसंद हो तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। जैसे बहुत लोग क्या करते हैं, सांभर में आलू वगैरह नहीं इस्तेमाल करते हैं, पर मेरे यहाँ बच्चे लोग आलू बहुत पसंद करते हैं तो मैं तो आलू डालती हूँ। तो सारी सब्जियों को अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद अभी क्या करेंगे, इसे थोड़ा सा हमें फ्राई करना है। तो अभी हमारा दाल भी इधर 2 सीटी हो चुका था, तो अभी एक सॉस पैन चढ़ाएंगे और उसमें 1 चम्मच सरसों तेल डालेंगे और इसे एक एक करके सारी सब्जियों को डालेंगे और बस हल्का सा इसे सॉटे करना है। बहुत ज़्यादा हमें इसे नहीं पकाना, बस गोल्डन ब्राउन होने तक हल्का सा इसे मतलब 80% तक कुक कर लेंगे। थोड़ा सा हमें रखना है, बहुत ज़्यादा इसे नहीं गलाना, नहीं तो सब्जियाँ बहुत ज़्यादा गल जाती है तो फिर सांभर में मज़ा नहीं आता है। सांभर में क्या है कि थोड़ा पीस जैसा दिखता है तो अच्छा लगता है। तो इधर हमारा दाल भी अच्छी तरह से पक गया था और सीटी भी निकल गया था, तो अभी हम सारी सब्जियों को इसी में डाल देंगे। साथ ही डालेंगे कुछ मसाले, जैसे मिर्ची पाउडर, नमक डालेंगे क्योंकि नमक मैंने वहाँ पे कम ही इस्तेमाल किया था, 1 चम्मच के लगभग सांभर पाउडर डालेंगे। अब इसमें क्या है, सांभर मसाले में सांभर जब बनाते हैं तो इसमें मसाले बहुत ज़्यादा हमें इस्तेमाल नहीं करना होता है। थोड़ा सा मेरा ज़्यादा थिक लग रहा था तो 1 गिलास पानी का इस्तेमाल करेंगे। और इसे क्या है कि हमें खुले में थोड़ा सा पकाना है क्योंकि सब्जियां तो ऑलरेडी मेरी पकी हुई है और दाल भी पकी हुई है, तो हम इसे क्या करेंगे खुले में ही पकाएंगे। सीटी लगाने से क्या होता है, सब्जियां वगैरह बहुत ज़्यादा गल जाता है। तो जब तक उधर हमारा थोड़ा पक रहा है तब तक इधर हमारा 10 मिनट भी हो गया था और आप देख सकते हैं बैटर हमारा थोड़ा सा थिक लग रहा है। तो अभी क्या करेंगे, 1/2 कप पानी डालेंगे, बहुत ज़्यादा अभी पानी नहीं डालेंगे क्योंकि दही डाला हुआ है ना, तो अभी ये जब ग्राइंड करेंगे तो खुद वह खुद देखिएगा बहुत ज़्यादा ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो आप देख सकते हैं बैटर की कंसिस्टेंसी इसी तरह की रखनी है मुझे, तो आप देख सकते हैं इसी तरह से रखिएगा। इसे बहुत ज़्यादा ना ही हमें गाढ़ा रखना और ना ही ज़्यादा पतला रखना है क्योंकि अभी हम क्या है इंस्टेंट बना रहे हैं। तो इसमें हम इनो एक पाउच डालेंगे, आप चाहे तो इनो की जगह पर मीठा सोडा, जिसे हम खाने का सोडा बोलते हैं, उसे भी आप आसानी से इसमें डाल सकते हैं। इसे हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में हमें मिक्स करना है और अभी अच्छा खासा गर्म हो तवा, तभी हम इसमें क्या करेंगे 1 डब्बू के लगभग डाल देंगे और उसे मीडियम फ्लेम पे हमें उसे पकाना है। तो इधर हमारा सांभर भी साथ ही साथ पक रहा है,
अभी हमारा सांभर भी ऑलमोस्ट पक ही गया है, तो अभी इसमें एक चम्मच इमली का पेस्ट डालेंगे, साथ ही डालेंगे इसमें थोड़ा खटास आने के लिए, तो बैलेंस करने के लिए यहाँ पे थोड़े सा हम गुड़ का इस्तेमाल करेंगे। आप चाहे तो गुड़ की जगह पे चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साउथ वगैरह में लोग, साउथ इंडियन लोग जो बनाते हैं सांभर, उसमें थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल जरूर करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमारा कुछ ही मिनट में कितना मस्त जाली बनकर तैयार हो गया है। तो इस तरह से बड़े आसानी से आप इसे बना सकते हैं। और ये सेट डोसा क्या है कि एक ही साइड से पकाई जाती है, दूसरे साइड से हमें नहीं पकाना होता है। आप चाहें तो कुछ सेकंड के लिए पलट कर सेक सकते हैं, पर ऐसे ही बनाई जाती है। और ये क्या है, बिना तेल के आप बना सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आपका तेल तवा धुला हुआ हो तो हल्का सा तेल ग्रीस कर सकते हैं। मेरा तवा पहले से ही पराठा बना हुआ था, तो यहाँ पे तेल लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो आप देख सकते हैं इधर हमारा सांभर भी बन गया। अभी क्या करेंगे, सांभर में एक खास तड़का के लिए देख लेते हैं। तो तड़के के लिए मैंने यहाँ पे एक तड़का पैन लिया है, जिसमें एक चम्मच सरसों तेल डालेंगे और कुछ खड़े मसाले, जैसे यहाँ पे मैंने लिया करी पत्ता, राई, धनिया, जीरा, मेथी और एक सूखी मिर्च। आप यहाँ पे मिर्च को बढ़ा भी सकते हैं। अभी क्या करेंगे, मिर्च और करी पत्ता को छोड़कर बाकी सारे खड़े मसाले को डाल देंगे। अच्छी तरह से चटकने के बाद गैस को बंद कर देंगे। गैस बंद करने के बाद हमें करी पत्ता और सूखी मिर्च को डालना है, और एक पिंच हींग डालेंगे। जो हमारा तड़के पैन का जो हीट रहता है, उसी से हमारा करी पत्ता और मिर्च अच्छी तरह से जल जाता है। यहाँ पे क्या है ना, हमें फटाफट से करना होता है, नहीं तो बहुत ज़्यादा करी पत्ता जल जाता है। तो अभी क्या करेंगे, उसी तड़के को इसी में डाल देंगे सांभर में, और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो आप देख सकते हैं इंस्टेंट हमारा सांभर भी बनकर तैयार हो गया। सांभर की रेसिपी मैंने बहुत तरीके से अपलोड कर रखा है, आप जाकर देख सकते हैं। और इस तरह से भी आप बनाएंगे तो बहुत ही टेस्टी लगता है। और अगर आपको लॉन्ग प्रोसेस देखना है तो आप जाकर वीडियो देख सकते हैं। अभी क्या है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगी सांभर का। तो है ना दोनों फटाफट से बनने वाली रेसिपी। आई होप आपको मतलब अच्छी लगी हो। और अगर आपको लगता है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी समझा देती हूँ, तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट टाइम मैं आराम आराम से समझा दूंगी। क्योंकि मेरी कोशिश रहती है कि मैं थोड़ा कम टाइम लूँ और आपको अच्छे से चीज़ों को समझा सकूँ, क्योंकि आपका टाइम, मैं नहीं चाहती कि आपका बहुत ज़्यादा ख़राब हो, मेरा तो छोड़ो। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये आज की सेट डोसा की रेसिपी अच्छी लगी हो। मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ, अभी के लिए टेक केयर एंड बाय।